हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, ग्लोसी पोर्टिगो सर्वसंपूर्ण चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो निर्जला एकादशी पर बना रही हूँ, बट ये कब चैनल पे आएगी वो तो थोड़ा लेट हो सकता है, और जब आएगी तो वो आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में एक छोटा सा प्यारा सा सिंहासन है लड्डू गोपाल का, जो हमने न्यू लिया है लड्डू गोपाल के लिए। तो लड्डू गोपाल को जो चीज़ें चाहिए होती है वो तो स्वयं ही वो मंगवा लेते हैं, हम लेने वाले तो कोई होते नहीं हैं। और इस सिंहासन पर हमने निर्जला एकादशी को लड्डू गोपाल को विराजमान किया था, उनका श्रृंगार किया था, और इस सिंहासन पे वे बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। और इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि आपके लड्डू गोपाल कितने नंबर के हैं, कितने साइज का सिंहासन लगता है, कौन कौन सा सिंहासन आप यूज़ करते हो। मंदिर में जो आपने सिंहासन देखा होगा वो पीतल का है, और साल भर हमेशा वो पीतल के ही सिंहासन पर विराजमान होते हैं, लेकिन स्पेशल ओकेजन्स पे, त्योहार में, कोई भी महोत्सव होता है उसमें स्पेशली लड्डू गोपाल अपने झूले में विराजमान होते हैं या स्पेशल सिंहासन में होते हैं। तो ये उसी प्रकार का एक सिंहासन है, वो मैं शो कर देती हूँ और लड्डू गोपाल का श्रृंगार दर्शन भी कर देती हूँ। बहुत सारे लोग वीडियो पे कमेंट करते हैं कि जल्दी से कान्हा का दर्शन करा दीजिए, लड्डू गोपाल का दर्शन करा दीजिए। वैसे तो सारे ईश्वर एक ही हैं, अनेक स्वरूप हैं उनके, चाहे वो लड्डू गोपाल हो या श्री राम जी हों, हमारे विष्णु जी हों। हर वीडियो में जहाँ भी लड्डू गोपाल से रिलेटेड कोई वीडियो होता है और लड्डू गोपाल के दर्शन नहीं होते हैं, उसमें कमेंट्स आना ही आना है कि कान्हा कहाँ है हमारे, लड्डू कहाँ है हमारे, आपने तो उनके दर्शन ही नहीं कराए, उनके दर्शन जल्दी से करा दीजिए, दर्शन करा दो प्लीज़। इसलिए ये वीडियो मैं स्पेशली बना रही हूँ जिसमें हम कान्हा का दर्शन कराएंगे, निर्जला एकादशी को इनका श्रृंगार ऐसा हुआ है वो भी शो करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कान्हा का श्रृंगार, फिर देखेंगे उनका ये प्यारा सा नया छोटा सा सिंहासन कैसा है। ये रहे हमारे प्यारे दुलारे लड्डू गोपाल। देखिए इन्होंने चंदन कैसे फैला लिया है, कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। ये ड्रेस मैंने कैसे पहनाई है, इनकी ड्रेस ये कैसी है वो मैं शो कर देती हूँ। ड्रेस के साथ ही ये जैकेट आया था ग्रीन बॉर्डर में, मरून में विथ स्टोन वर्क, बहुत प्यारी ड्रेस थी, पर्पल कलर की ग्रीन कॉन्ट्रास्ट जैकेट था, और ये पगाई थी साथ में बनी बनाई, सब कुछ एक सेट आया था कान्हा का। ये इन्होंने कभी नहीं पहना था, तो आज हमने एकादशी के पर्व पर कान्हा जी को इस ड्रेस में रेडी किया। कितने प्यारे लग रहे हैं कान्हा। वैसे तो कान्हा एक सूती कपड़ा भी पहना दो, एक लंगोटी और उनका एक सूती कुर्ता भी पहना दो, तो भी इतने प्यारे, इतने मनभावन लगते हैं कि मैं बता नहीं सकती। आप खुद वीडियोस देख लो, गर्मियों का श्रृंगार देख लो, उसमें तो कोई डिज़ाइनर ड्रेस नहीं थी, फिर भी इतने क्यूट, एकदम ग्वाला लग रहे थे। ऐसे कॉमेंट आया था कि ग्वाला लग रहे हैं हमारे कान्हा, हमारी फ्रेंड मीनांगी है उन्होंने कॉमेंट किया था। और अब देखो इतने भारी साज सज्जा में भी कितने प्यारे लग रहे हैं। थोड़े परेशान हो जाते हैं इसलिए टीका वगैरह ये फैला लेते हैं, बट मज़ा तो इन्हें भी आता है तैयार होने में। इनका जैकेट बहुत ही क्यूट है, आपने नहीं देखा है तो इनके ड्रेस कलेक्शन के वीडियो में पूरी ड्रेस अलग से दिखाई हुई है। और इस ड्रेस में श्रृंगार इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहा है, क्योंकि ये ड्रेस कान्हा ने पहले नहीं पहनी थी। अब आइए अब देख लेते हैं कान्हा का प्यारा सा सिंहासन। और इतना स्वीट सिंहासन है कि मैं बता नहीं सकती। ये तो मैंने आसन लगाया था इस पे, ये देखिए यहाँ पे नेट का वर्क किया हुआ है अलग से, अंदर भी पूरे रिबन से अटैचमेंट दी हुई है, ये वेलवेट है, और ये पूरा बॉर्डर लगा हुआ है रोजेस के साथ, और पीछे भी इनकी बैक ड्रॉप दिया हुआ है येलो कलर में, और यहाँ पे तकिया बना हुआ है, फ्लावर बना हुआ है सेम इधर। हम चाहें तो इधर पीकॉक फेदर से, मोर पंख से डेकोरेट कर सकते हैं, जो मैं जन्माष्टमी पर करूँगी इस सिंहासन को और डेकोरेट। इस सिंहासन पर मंदिर के सारे भगवान जी विराजमान हो सकते हैं, सबके लिए फिट है, और इसे आराम से ऐसे कैरी भी किया जा सकता है। मैं लड्डू गोपाल को बिठाई थी और ऐसे ही कैरी की थी। अब इसमें विराजमान कर लेते हैं लड्डू को।
ये लगाया आसन। पहले इनकी निकालते हैं टोपी और पहले विराजमान करते हैं। अब देखिए इनका लुक, और इसे आराम से हम कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। पर ये टोकरी नहीं है तो हमारे कान्हा को इन्हें बहुत प्यार से ही हमें कैरी करना होगा। और नीचे एक छोटा सा पीढ़ा मैंने चौकी लगाई है, उसके ऊपर विराजमान करती हूँ। और मंदिर की भी वीडियो आ गई है या आने वाली है वो श्योर नहीं है, आप देख लीजिएगा चैनल पे। ये सिंहासन के साथ ही मंदिर के अंदर भी विराजमान किया है हमारे लड्डू को। वैसे तो लड्डू कहने के लिए ईश्वर हैं, बट हम सब के प्यारे दुलारे छोटे से बेबी हैं, इसलिए उनका अलग से ख्याल रखना पड़ता है। उनकी बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग भी हम करते हैं जो उनको काफ़ी पसंद आती है। आप सेवा करेंगे लड्डू की तो आप भी धीरे धीरे समझ जाएंगे, आपको भी ये आभास होगा कि हमारे लड्डू को खेलना कूदना, सबको परेशान करना, ज़िद करना, अच्छा अच्छा खाना खाना, अच्छा अच्छा भोग लगाना, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद है। तो आपका मन खुद पर खुद करने लगेगा कि नहीं, ये तो मेरे लड्डू के पास नहीं है, ये भी मैं लेकर के आऊँगी, और ये ड्रेस भी मेरे लड्डू को चाहिए, वो भी मैं लेकर के आऊँगी। तो ऐसे धीरे धीरे लड्डू आपके मन में विराजमान हो जाते हैं और जो उनको पसंद होता है वो आपसे खुद ही सेवा ले लेते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे कान्हे के दर्शन आपको बहुत प्यारे लगे होंगे। बहुत लोग इनको मिस करते हैं वीडियो में अगर नहीं आते हैं ये, और बहुत बार रिक्वेस्ट करते हैं हमारे कान्हा के दर्शन करा दो, हमारे कान्हा के दर्शन करा दो। तो ये रहे हमारे कान्हा, आप दर्शन कर लो अच्छे से। अब नेक्स्ट वीडियो इनकी कब आएगी वो तो मैं अभी नहीं बता सकती। पसंद आए कान्हा का ये स्वरूप तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यदि वीडियोस आपको पसंद आते हैं और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने का मन करता है। तो तब तक के लिए ईश्वर की सेवा में ऐसे ही जुड़े रहें। ये सब तो मात्र हमारे भाव हैं, सब कुछ मन से होता है। आप अध्ययन भी कीजिए, माला जाप भी कीजिए, सब कुछ कीजिए, सिर्फ श्रृंगार सेवा ना दे करके हमें ज्ञान भी अर्जित करना होता है कि ईश्वर आखिर है क्या। उनकी सेवा पूजा से जुड़ी सारी जानकारी हमें ग्रंथों में मिलती है, तो ग्रंथों की अध्ययन भी ज़रूर करते रहें। इसके साथ मैं विदा लेती हूँ। हरे कृष्णा। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ राधे, हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मुझ में धड़कती हो तुम्हें, मुझ में धड़कती हो तुम्हें, तुम दूर मुझसे हो कहाँ। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत।